मुरादाबाद में सड़क पर बने चड्ढा ग्रुप के फ्लैट्स पर शुक्रवार को एमडीए का बुलडोजर चल गया। सुबह करीब 8:30 बजे फोर्स के साथ पहुंची एमडीए की टीम ने इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि फ्लैट्स का जितना हिस्सा सड़क पर बना है उसे तोड़ा जाएगा। बता दें कि प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से सड़क पर बने इन फ्लैट्स को काफी पहले तत्कालीन कमिश्नर के दखल के बाद सील कर दिया गया था, तभी से इन पर सील लगी थी। हैरत की बात यह है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर सड़क की जमीन पर एमडीए ने इन फ्लैट्स के नक्शे भी पास कर डाले थे। कमिश्नर और डीआईजी के बंगले से चंद कदमों की दूरी पर सड़क पर खड़े ये फ्लैट्स शहर में प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की तस्वीर के रूप में देखे जाते थे। बहरहाल शुक्रवार सुबह इन फ्लैट्स पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सिविल लाइंस के पॉश एरिया में जहां एक तरफ सीपीएच है तो दूसरी तरफ पुलिस एकेडमी है, चंद कदमों की दूरी पर कमिश्नर का आवास है। ये पूरा इलाका सरकारी अफसरों की कोठियों से घिरा है। बावजूद इसके सड़क की जमीन पर यहां 12 फ्लैट्स बना लिए गए। 3 मंजिला फ्लैट्स बनकर खड़े हो गए और एमडीए ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पूर्व में कमिश्नर द्वारा कराई गई जांच में साबित हो चुका है कि जमीन सरकारी है, लेकिन इसके बाद भी एमडीए के अधिकारियों ने यहां फ्लैट्स का मानचित्र पास कर दिया था। ये गोविंद सहकारी समिति के नाम से ये जो जगह थी उन्हें ये बिल्डिंग बनाई थी और इसका मानचित्र जो स्वीकृत था मानचित्र स्वीकृत के विपरीत इन्होंने जो विचलन करके जो हिस्सा बनाया है हम लोग उसको आज तोड़ रहे हैं। ये कब बना था, कब से कितना पुराना हुआ? मैं ये तो नहीं अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब से ही बना है अभी फिनिश नहीं हुई है, बिल्डिंग निर्माणाधीन है अभी, तो हम लोग इसको बीच में निर्माणाधीन के दौरान ही इसको जो है जो असमनीय भाग है उसको तोड़ रहे हैं। लैंडलॉर्ड मैं बताया गोविंद सहकारी समिति है इसकी, नहीं उन्हीं के नाम है, मैं उसमें तो नहीं है साहब, गोविंद सहकारी समिति के नाम ये जमीन है मैं इतना जानता हूँ, उन्हीं के नाम से ये गोविंद सहकारी समिति का, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ कि किस ग्रुप का है, ग्रुप के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये समिति के नाम से जमीन है उन्हीं की है। शहर के पौश एरिया में सुबह सुबह एमडीए ने बुलडोजर चलाना शुरू किया तो लोगों की भीड़ लग गई।